जांच के चंपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक में आज केंद्र सरकार द्वारा किसान कानून के लिए बनाए गए 3 बिल को वापस लेने के लिए आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नवागढ़ ब्लॉक के राजा बांठा में आयोजित हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में किसान और कांग्रेस नेता उपस्थित होकर अपनी बातें रखे और केंद्र सरकार को कृषि कानून के बिल वापस लेने के लिए अपना अपना उद्बोधन दिया। इसमें जिले और प्रदेश के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जिले भर के किसान मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए नवागढ़ पुलिस भी सक्रिय रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जांच के जिले के प्रभारी कांग्रेस नेता अर्जुन तिवारी ने बीजेपी को खुला चैलेंज दिया। बोले कि केंद्र सरकार की यह बिल पूरी तरह से काली है और भाजपा नेता इस मुद्दे पर मुझसे डिबेट करना चाहें, मैं खुलेआम तैयार हूं। प्रणाली को छिन्न भिन्न किए हैं, इसलिए हम कांग्रेस के लोग कहते हैं ये काले कानून हैं और ये काले कानून के माध्यम से हिंदुस्तान के न केवल किसानों को बल्कि उपभोक्ताओं के हक और हकूक और अधिकार में डाका है। और हम ये बात को निसंदेह कह रहे हैं और चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस विषय पर बहस करने के लिए। जहाँ कहें, जब कहें, जगह और समय वो लोग तय करें, हम आकर के उनके साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। वो बताएं कि ये कानून जो है वो किसानों के हित में कैसा है, ये कानून जो है उपभोक्ताओं के हित में कैसा है, ये कानून जो है आम लोगों के हित में कैसा है। हम उन्हें खुली चुनौती देते हैं। उनका समर्थन कर रहे हैं आंदोलन में, सबसे पहली बात तो मैंने आपको अपने संक्षेप रूप से प्रस्तावना में कहा कि कानून, कृषि संबंधी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को नहीं है। कृषि जो विषय है वो राज्य का विषय है और केंद्र सरकार ने राज्य के विषय में, राज्य के अधिकार में हस्तक्षेप करके ये कानून उन्होंने बनाया है। तो पहला तो ये नुकसान है कि ये कानून जो है अवैधानिक है। दूसरा, उस काले कानून में जो प्रावधान है, MSP नहीं रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, निजी उद्योगपतियों को प्राइवेट मंडी स्थापना करने की छूट दी जाएगी। परिणाम यह होगा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और औने पौने में उनके उत्पादन की खरीदी होगी। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से यह होगा कि बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी किसानों से एग्रीमेंट करेंगे और एग्रीमेंट करके उनके जो खेत है, यदि एक ही गाँव के 50 किसानों ने एग्रीमेंट किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, तो उनके खेत को पूरा समतल कर दिया जाएगा, क्योंकि उद्योगपति अपने हिसाब से किसानी करेगा और जिस डेट पे कॉन्ट्रैक्ट होगा उस डेट पे फसल का जो रेट होगा, उत्पादन आते तक यदि फसल के रेट में कमी हुई तब वो कमी रेट पे खरीदेगा, कम रेट पे। यदि उत्पादन का रेट ज्यादा बढ़ा मार्केट में तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस रेट पे ही खरीदेगा। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि किसानों का जो खेत है, उत्पादन जो क्षेत्र है, वो समतलीकरण कर दिया जाएगा, तो किसान को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा खेत कौन सा रकबा मेरा है। कालांतर में आगे जा करके वो उद्योगपति उनके खसरा और रकबा को मिटा करके कब्जा भी कर सकते हैं और इसके खिलाफ अपील करने का या इनके खिलाफ न्यायालय में जाने का जो अधिकार है वो सब डिविजनल ऑफिसर के पास जाएगा। आपको पता है सब डिविजनल कोर्ट जो होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होता है वो क्वासी जुडिशियल होता है। क्वासी जुडिशियल मतलब अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है, उसमें प्रशासन का हस्तक्षेप रहता है। इस प्रकार से ये उद्योगपति उनको प्रभाव में लेकर के अपने हिसाब से निर्णय कराएंगे। तीसरा जो कानून है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अति आवश्यक वस्तु अधिनियम, इसमें बड़े उद्योगपतियों को असीमित मात्रा में भंडारण का अधिकार रहेगा। कालांतर में ये बड़े उद्योगपति किसानों के फसलों को असीमित मात्रा में अपने गोडाउन में भर के रख लेंगे और कृत्रिम संकट पैदा करेंगे। जब कृत्रिम संकट पैदा हो जाएगा तो वो जींस जो है, कृषि जींस है, उसको अपने हिसाब से उसका मूल्य निर्धारण करेंगे। बताने का मतलब यह है कि 5 रुपये का आलू 100 रुपया 75 रुपया में भी वो बेचेंगे, इसका